और लगे मेरे में। गाइस बहुत सबर है इसलिए मैं कभी कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरे अंदर भी बहुत कुछ है बट मेरा काम है प्रूफ करके दिखाना लोगों को गलत। मैं और रौनक हर रोज यही बात करते हैं भाई। रौनक रौनक को मैं एकदम भाई जैसा, रौनक मेरा भाई है, हम लोग डेली बात करते हैं। रौनक भाई क्या हो गया क्या? वो बोला ओवेस मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, पब्लिक मेरे को रोज हेट कर रही है। उस ना उसका कुछ टॉपिक था वो स्काउट वाला जो भी था गाइस, उसको फोकट में हेट मिला। वो फक ऑफ वाला क्या था मुझे नहीं पता, जो भी था गाइस उसको फोकट फोकट का हेट मिला बेचारे को। तो उसने बोला ओवेस देख भाई इसमें तो मेरे को क्लच गॉड ने बुलाया और क्लच गॉड बोला कि गलती से इनवाइट दे दिया, क्योंकि आप देख सकते हो उसमें जोनाथन ने बोला किसी को भी बुला और उसके साथ मस्ती कर, साफ दिख रहा है। तो उन लोग ने रौनक को इनवाइट दिया और उसको बोल दिया गलती से इनवाइट कर दिया, तो उसने फक ऑफ बोल दिया मस्ती मस्ती में और उसी टाइम स्काउट आया और छोड़ा। ठीक है वो भी मैटर सॉल्व, बट उस पे तुम लोग ने गाइस कितना हेट दिया रौनक को, कितना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों भाई क्या जरूरत है, क्या क्या ही जरूरत थी मेरे को ये बताओ। तुमको पता है क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? हाँ तुमको पता है गाइस? हर कोई इंसान स्ट्रांग नहीं होता है गाइस, ये समझना सीखो। हर कोई स्ट्रांग नहीं होता है और रौनक मेरे को जवाब अपनी मेहनत से देना है। अपने मेरे को पीएमएस के हम लोग का पीएमसीओ, हम लोग जब पीएमसीओ में गंदी तरह हारे थे और स्काउट चले गया था इंडोनेशिया या जिधर भी, तो हमको तो ये बोला गया था तुम तो खेल भी नहीं पाओगे। हम लोग तो जीत के दिखाया, जीत के स्क्रीम्स भी और टूर्नामेंट भी। हम लोग को बोला तुमको खेलने नहीं आता है, सब कुछ बोला गया हमको, बट उस टाइम मैंने प्रूफ करके दिखाया कि हम जीत सकते हैं और आगे भी प्रूफ करते रहेंगे। और कल के पूरे कन्वर्सेशन में मैं पूरा कन्वर्सेशन देखा हूँ गाइस, सब कुछ देखा हूँ, मेरे को कुछ उससे मतलब नहीं है। मैंने मैंने सिर्फ मेरे को थक की एक बात खराब लगी कि तुमको खाक में से उठाया हूँ। भाई हमको किसी ने उठाया नहीं है, हम खुद की मेहनत से बढ़े आगे। और मैंने कितनी मेहनत किया हूँ ना ये गाइस मॉर्टल को भी पता है, पूछना कभी आप मॉर्टल से मैंने कितनी मेहनत किया हूँ टीम के लिए। रौनक को भी पता है, मॉर्टल को भी पता है और वाइपर को भी पता है। तो किसी ने मेरे को खाक से नहीं उठाया, मैं ड्रीम हैक में जाके सोलो पहले मैच जीता। सोलो मैच जीतने के बाद हम लोग चारों स्क्वाड खेले, जब स्लेयर को जाना पड़ा उसकी दोस्त से मिलने, तो रौनक हमारे मॉर्टल हमारे साथ खेला और मॉर्टल हम लोग चारों मिलके चार लगातार स्क्वाड जीते। वो चारों की आज भी मेरे पास ड्रीम हैक की वीडियो पड़ी है। तो किसी ने हमको उठाया नहीं, हमने खुद की मेहनत की है A to Z, बस दैट्स ऑल। और उधर रौनक आया था मॉर्टल वाइपर थग और उसका क्लियर करने, तो और तीन को आने की जरूरत नहीं थी। गोल्डी भाई मेरे से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं, गोल्डी भाई का मेरा भी बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। वो मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझे समझाते हैं, मैं समझता हूँ। बट वो वाला जो कल का मैटर था उसमें और किसी को नहीं आना था। ये चारों मिलके अपना शॉट करते, जो भी था वो करते, अपने को दूसरों को इसमें इंटरफेयर नहीं करना। अगर मैं होता तो मैं होता, बस हम पांच होते, बट दूसरों को इंटरफेयर करना नहीं होता इसमें। सब आके वहां बोले, गोल्डी गोल्डी भाई ने भी बोले, मैं बोल रहा हूँ ना, गोल्डी भाई ने बोले कि इफ यू हर्ट वन पर्सन यू हिट फुल फैमिली। तो आप रौनक का भी सोचना, अगर रौनक को हिट हो रहा है तो उसके घर वालों को हिट हो रहा है, उसकी मम्मी को हिट हो रहा है, उसके पप्पा को हिट हो रहा है। तो यार उसकी मम्मी और उसके पप्पा से बढ़कर और तुम तो यार दोस्त लोग को, अगर दोस्त लोग में कुछ हो जाए, इतना हेट होता है अगर किसी को, तुम्हारे दोस्त को कुछ हो जाए तो तुमको कितना बुरा लगता है। अगर उसके बेटे को कुछ हो जाए तो उसकी माँ को कैसा लगेगा, ये सोचा है कभी? जिसने उसको पैदा किए अगर उसको कितना बुरा लगता रहेगा, वो सोचा है कभी? उसके पप्पा को कितना बुरा लगता रहेगा, वो सोचा है कभी? अगर मेरा परितोष दोस्त है, अगर परितोष को किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे बुरा लगेगा,
बट अगर मुझे किसी ने बोल दिया तो मेरी मम्मी को जितना बुरा लगेगा, मेरे डैडी को जितना बुरा लगेगा, उतना मेरे दोस्त को नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। भाई सब्र करना सीखना होगा हर किसी को। मैं रौनक से इतना बात करता हूँ, रौनक से हम लोग, मैं डेली मैं उसको समझाता हूँ, रौनक भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। मैं कभी उसको उसके गेम पे डाउट नहीं किया, बट गाइस तुम कितना उसके गेम पे उसको डाउट करते हो। मुझे पता है ना उसके पास क्या कैपेबिलिटी है, कि कैसे खेल सकता है वो, कितना नॉलेज है उसको। तुम गाइस हर बार चैट में आके स्पैम करते हो, रौनक को नहीं निकालो। तुम लोग को अंदर का स्टोरी पता है कि टीम में क्या होता है क्या नहीं होता है, कितनी चीज़ें हर्ट होती है। और इसमें सबसे सबसे ज़्यादा ठीक होना मेंटल मेंटेलिटी। अगर मेंटल में तुम ठीक नहीं रहोगे ना, तो तुम गेम खेल ही नहीं पाओगे। अपना दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं होता गाइस, तो अपन को खेलने नहीं होता। सिंपल सा फैक्ट है मेरा। मैं आज बैंक गया था, 3 घंटा बैंक में था, मेरा सर दुख रहा, तो मैं दोपहर में खेल नहीं पाया, तो मैं जाके सो गया थोड़ी देर, क्योंकि मेरे को खेलने नहीं हो रहा था। मुझे सोल से क्यों निकाला, क्या हुआ, मेरे को कुछ वो किसी को नहीं बताना है, मेरा उससे कुछ कंसर्न ही नहीं है। पास्ट वॉज माई न्यूज़ पेपर, टूडे इज माई क्या बोलते उसको, टेस्ट पेपर, और टुमारो इज माई एग्ज़ाम पेपर। तो मेरे लाइफ का रूल है सिंपल सा।